सेविंग मशीन ग्रुप। आज हम आपको बताएंगे कि चलते चलते अगर मशीन में धागा फंस जाए, ये देखिए मशीन लॉक हो गई है। आप ये सोचते होंगे कि धागा फंसने की प्रॉब्लम है, क्यों मैं ज़्यादातर बता रहा हूँ आजकल। दिक्कत यह है कि लॉकडाउन में धागा कट रहा हो तो आदमी फिर भी टूटते टूटते धागा भी फिर भी कपड़ा सी लेता है, लेकिन जब धागा फंस जाता है तो उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है कि भैया धागा निकाले कैसे, ठीक है। और खास करके जब शटल में फंसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आज हम आपको बताते हैं, आप देख सकते हो बहुत बार ऐसा होता है कि शटल में हमें धागा दिखाई नहीं देता, पर आप देख सकते हो कि जैसे मैं मशीन घुमा रहा हूँ मन्ना सुई नीचे जा रही है, आप देख सकते हो, और ना ही ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये हमें अंदाजा लग जाता है कि शटल नहीं घूम रहा होता। ये देखिए शटल एक ही जगह पे घूम रहा है, यानी कि ये पूरी शाफ्टिंग घूम रही है, ये नहीं घूम रहा है। तो मैं आपको आज 2-in-1 बताऊंगा, धागा फंसने के बाद शटल की टाइमिंग भी बताऊंगा। पहले तो अगर आपको शटल की टाइमिंग नहीं मिलानी है और अगर नहीं एडजस्टमेंट नहीं मिलाना है तो क्या करें। ये शटल है बराबर, इसे हमें खोल देना है। ये आपने यहाँ पे स्टॉपर में एक स्क्रू लगा होता है, उसे हमने लूज किया, इसे पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। और धागा क्यों फंसता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे घर की मशीन में फंसा है, ये देखिए। एक तो ये बहुत दिनों से साफ नहीं किया है, इस वजह से इसमें भी कचरा है, आप देख सकते हो ये होता है, ठीक है। मैंने डब्बी निकाल ली है, अब देखो मशीन पूरी घूम रही है, यानी कि धागा शटल के अंदर फंसा हुआ है। अब धागा दिखाई तो दे नहीं रहा है, आप देख सकते हो धागा दिखाई तो नहीं दे रहा है। और ये ऐसे घुमाने में ये ध्यान रखें, नीडल लगी हुई है तो हाथ में ना लगे, ये भी सावधानी पूर्वक ध्यान रखें। अब इसे कैसे निकालें, अब तो इसे कुछ नहीं करना है, इसे सही से आप सेंटर में कर लें, ऐसे सेंटर में करने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे इसे हमें घुमा देना है, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ी, पर ध्यान रहे पेचिया छोटा हो, पेचिया छोटा सा ही हो, ध्यान रहे। तो इसे हमें ताकत से ध्यान पूर्वक खींचे, ठीक है, इसे घुमाकर थोड़ी थोड़ी देर में, आप चाहे तो कटोरी में ऑयल डाल डाल के भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत लूज हो गया, ये देखिए, हाँ ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में से धागा कैसे हिल रहा है। तो इतना बड़ा धागा था, ये हो गया। अब इसे हमें वापस लगा देना है। ये ध्यान रखिए ये जो कटोरी का भाग है ये इसका पॉइंट है, ठीक है, इसे इसके अंदर लगाना है हमें, ये रखा इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। ये स्क्रू जहाँ था वहाँ फिर से लगा देना है। आप डरे नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं वीडियो पूरा देखते नहीं है, डर डर के और मशीन खोलते नहीं, और सर बोलते मशीन बन नहीं रही। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, क्यों नहीं बनेगी। ये देखिए ये हो गया। मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। अब ये हो सकता है, एक बार हम इसे भी खोल देते हैं, मैं आपको पूरी तरह से अब शटल टाइमिंग दिखा देता हूँ, क्या पता मैं चालू करो और चालू ही ना हो।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो। ये मैंने खोला, ये देखिए, ठीक है, सटल टाइमिंग में एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है। ये तो पहले तो मैं ये तीनों स्क्रू खोल देता हूँ। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें, ये जो धागा डालने का जो होल है इसकी पीछे की साइड और ये शटल का पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जब नीचे जा रहा हो, नीचे जाने के बाद जब ऊपर आ रहा होता है, ऊपर आने के बाद शटल नीचे से हल्का सा पकड़ के रखें, ये ध्यान रहना हमें। नीचे आने के बाद जब ऊपर आने के पोजीशन में जब होल के पास आता है, होल से एग्जिट थोड़ा सा ऊपर रखना है हमें, ये ध्यान रहे, होल के एग्जिट थोड़ा सा ऊपर रख के, हल्का सा थोड़ा सा ना टचिंग हो ना उसमें गैप हो। आप बार बार कमेंट में लिखते हैं सर किया धागा छोड़ रही है या तो धागा तोड़ रही है, उसके दो कारण होते हैं। धागा छोड़ने का एक कारण है कि आपने जो सुई में गैप रखा है पॉइंट के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा रखा है इस वजह से, और दूसरी वजह ये है आप देख सकते हो शटल के अंदर ना गैप होना चाहिए, आप देख सकते हो ना गैप होना चाहिए, आप ध्यान लगा के देखोगे तो 100% दिखेगा, ना गैप होना चाहिए ना ही टचिंग होनी चाहिए, बस उस पोजीशन में रखें और हल्के हाथ से टाइट कर दें। मैंने आपको असाधारण भाषा में बताया कि होल के हल्के से ऊपर रखना है, ये ध्यान रहे, बस इसे हल्के हाथ से मैंने कर दिया टाइट, और उसी तरह से जितने भी स्क्रू हो सकता है तीन हो सकता है कि मोस्ट ऑफली इंडियन मशीन में तीन ही आते हैं, ये एक और ये दो, ठीक है, ये हो गए तीनों स्क्रू मैंने कर दिए है टाइट। अब हम इसे वापस लगा देते हैं, ये हो गए। तो आपने देखा आज हमने धागा फंसा हुआ था वो भी निकाला, और आपको मैंने शटल टाइमिंग भी बता दी कि आपको दूसरा वीडियो देखना ना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर से दिक्कत ये आ जाती है कि टाइमिंग हट जाता है, तो टाइमिंग भी आ गया आपका, शटल सेटिंग भी हो गया। अब एक बार हम इसे चला के भी देख लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मैंने कर दिया टाइट, तो चलिए अब मैं चला के देख लेता हूँ। धागा डालना और मशीन लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। अब हम एक बार चला के देख लेते हैं कि सिलाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन सिलाई भी आ रही है, ना टाका छोड़ रही है ना कोई और प्रॉब्लम है, देख सकते हो ना सिलाई खराब आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिसे लॉकडाउन में ज़रूरत है उसे प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।